वेलकम टू टेक्नोवाइज एजुकेशन। जावा की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज एक हम टॉपिक लेके आए हैं, डेटा टाइप्स। फ्रेंड, जावा के अंदर हम डेटा टाइप्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा प्रिमिटिव, ठीक है गाइस, और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव। जावा के अंदर हम डेटा टाइप्स को दो भागों में बांट सकते हैं, एक हमारा होता है प्रिमिटिव और एक होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव, ठीक है गाइस। आज हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको अच्छे से प्रैक्टिकली जानेंगे। जो जो पॉइंट हमने लिखा है उस हर पॉइंट को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है फ्रेंड्स। प्रिमिटिव टाइप्स आर प्री डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा। फ्रेंड्स, कुछ डेटा टाइप्स ऐसे हैं जो हमें जावा ने पहले से बना के दिए। जावा को लगा कि ये डेटा टाइप्स हैं, ये डेटा टाइप्स किसी भी यूज़र को हर हाल में काम आने ही आने हैं, किसी भी डेवलपर के लिए, किसी भी प्रोग्रामर के लिए हर हाल में ये काम आने ही आने हैं, ठीक है गाइस। तो ऐसे डेटा टाइप्स जो जावा ने पहले से बना के रख दिए वो सारे के सारे डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की हम बात करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर एंड इज नॉट डिफाइंड बाई जावा, ठीक है फ्रेंड्स। जितने भी हमारे नॉन प्रिमिटिव टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको प्रोग्रामर बनाता है, ठीक है। सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को प्रोग्रामर बनाता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, तो गाइज स्ट्रिंग डेटा टाइप या हम बोल सकते हैं क्लास, स्ट्रिंग क्लास या स्ट्रिंग डेटा टाइप जावा ने पहले से बना के रख दी है, जिसे हम लोग डायरेक्टली यूज में लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, अगर मैं बात करता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप की, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में मेरा आता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन। गाइज, आपने शॉर्ट, बाइट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैर के बारे में पहले सुना होगा। बूलियन के बारे में आपको बता देता हूँ कि बूलियन ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में वैल्यूज लेती है, ठीक है गाइज, ट्रू और फॉल्स। वही सी के अंदर ट्रू के लिए 1 माना जाता था और फॉल्स के लिए 0 माना जाता था। सी और सी प्लस प्लस में ट्रू के लिए 1 होता था और फॉल्स के लिए 0 होता था। सी और सी प्लस प्लस के अंदर बूलियन नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता था। जावा के अंदर बूलियन नाम का एक डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस क्या हो रहा है। हाँ, मैं नॉन प्रिमिटिव टाइप के और बता देता हूँ। यहाँ पर बाइट, शॉर्ट, इंट आ गए। वैसे अगर मैं नॉन प्रिमिटिव टाइप की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो नॉन प्रिमिटिव टाइप है, एरे है वो एरे मेरे पास नॉन प्रिमिटिव टाइप है, क्लास और इंटरफेस ये मेरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जब जावा ने, हमारी जावा ने अगर पहले से ही हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रोवाइड करवाए, तो हमें अगर जावा ने प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर प्रोवाइड करवा रखे हैं पहले से, तो हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि स्ट्रिंग को अभी वैसे तो नॉन प्रिमिटिव में आता है, लेकिन पहले से डिफाइन है, इसलिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ इस तरफ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये एग्जांपल हम लोग पहले समझते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप के होते हुए भी हमें नॉन प्रिमिटिव की जरूरत क्यों पड़ी, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, मुझे ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, ठीक है। उसके अंदर मुझे स्टूडेंट का नाम लेना है, स्टूडेंट का रोल नंबर लेना है, स्टूडेंट की फीस लेनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अभी मैं सिर्फ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मैं इस पेज के ऊपर 3 को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मान लो कि मेरे पास 100 स्टूडेंट को लेना है, तो मेरे पास नेम के लिए 100 अलग अलग वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, नेम 100, ठीक है। सब में अलग अलग नाम पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए मैंने, जिसमें नेम 1 के अंदर जॉन है, नेम 2 में हैरी है, नेम 3 में मैरी है, ठीक है गाइस। ये यहाँ पर प्लस नहीं है, इसको हम लोग इक्वल्स टू लगाते हैं गाइस। यहाँ पर ये ठीक है,
इक्वल्स टू है, ये सब जगह इक्वल्स, यहाँ पर भी मुझे इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये इसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास तीन वेरिएबल हैं, मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रिंग टाइप के तीन ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ या अभी तीन वेरिएबल भी बोल सकता हूँ सिंपली अगर मैं इसको अपनी भाषा में बात करूँ तो। ठीक है, तो तीन मेरे पास स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं, जॉन, हैरी और मैरी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एक इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल्स हैं। अगर 100 स्टूडेंट की बात करता हूँ तो 100 वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर रोल नंबर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी गाइस मैंने कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, तो शायद यहाँ पर ये रोल नंबर 2 है और ये रोल नंबर 3 है। ठीक है गाइस, यहाँ पर भी रोल नंबर 1 है, इसको आप रोल नंबर 2 बना दीजिए और ये आपका रोल नंबर 3 है। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये मेरे अलग वेरिएबल्स हैं। फिर मैंने फी के नाम से वेरिएबल लिए हुए, फी 1, फी 2, फी 3, और मैं अलग अलग मैंने फीस डाले हुई है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ प्रॉब्लम क्या है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप मेमोरी के अंदर अपने लिए अलग अलग मेमोरी कंज्यूम करता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा ऊपर जॉन के लिए यानी नेम 1 के लिए, तो नेम 1 मेमोरी के अंदर अपने लिए अलग स्पेस बनाएगा। ठीक है, नेम 2 अलग स्पेस बनाएगा, नेम 3 अलग स्पेस बनाएगा। ठीक है गाइज, जैसे अगर मैं बात करता हूँ रोल नंबर की, तो रोल नंबर मेमोरी में अलग स्पेस बनाएगा, रोल नंबर 2 अलग बनाएगा, रोल नंबर 3 अलग बनाएगा। ठीक है, वैसे अगर फीस की बात करता हूँ, फीस 1 मेमोरी में अपने लिए अलग जगह बनाएगा, फीस 2 अलग जगह बनाएगा और फीस 3 अलग जगह बनाएगा था। तो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे जावा के साथ, या फिर हम बात करते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे जितने भी मेमोरी के अंदर जो स्पेस बनाते हैं वो सारे के सारे स्पेस अलग अलग जगह पर बनाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जॉन है, जॉन का नीचे किसी रोल नंबर या किसी फीस वाले वेरिएबल से अगर मुझे कोई रिलेशन दिखाना है तो मैं रिलेशन नहीं दिखा सकता क्योंकि जॉन अलग जगह सर्वाइव कर रहा है, अलग जगह एग्जिस्ट है, और रोल नंबर अलग जगह एग्जिस्ट है, सारे के सारे फीस अलग अलग जगह एग्जिस्ट हैं, अलग अलग जगह एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग जगह पर स्टोर्ड हैं। ठीक है, अलग अलग मेमोरी इनको अलोकेट हुई है। ठीक है गाइस, तो मैं नहीं बता सकता कि जॉन का रोल नंबर कौन सा है या जॉन की फीस क्या है, या मैं नहीं कह सकता कि जिसका रोल नंबर 2 है उसका नाम क्या है, उसकी फीस क्या है, ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है गाइस, तो इसके लिए मुझे क्या किया कि नॉन प्रिमिटिव बनाने का, नॉन प्रिमिटिव यानी खुद के डेटा टाइप है ना, यूजर को या सॉफ्टवेयर डेवलपर को उसकी जरूरत के हिसाब से उसके खुद के डेटा टाइप्स बनाने की आजादी दी गई, परमिशन दी गई। ठीक है गाइस, तो इस कड़ी में अगर हम बात करें तो क्लास और इंटरफेस 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 2 फीचर्स हमारे जावा के, या हम कह सकते हैं कि ऊप्स के, कि अगर आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है तो उसके लिए क्लास और इंटरफेस सबसे ज्यादा मेन रोल आपके लिए उसके लिए प्ले करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक नया डेटा टाइप बनाता हूँ जिस डेटा टाइप को नाम मैं स्टूडेंट दे देता हूँ। ठीक है गाइस, यानी इस डेटा टाइप को मैंने स्टूडेंट नाम दिया, जैसे कि मेरा डेटा टाइप होता था बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन। ठीक है, जैसे मेरे इतने सारे ये डेटा टाइप्स होते थे वैसे ही मैं अपने यहाँ पर खुद के डेटा टाइप्स बना सकता हूँ। तो मैंने एक अपना डेटा टाइप बनाया, मान लो स्टूडेंट। ये सब हम लोग जब, अगर आपको ज्यादा और डिटेल से देखना है तो आप मेरे वीडियोस देखो, क्लास और ऑब्जेक्ट के वीडियोस, आपको फ्रेंड बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्लास क्यों होती है, कैसे हम लोग काम में लेते हैं, क्यों हमें क्लास की जरूरत पड़ी। ठीक है गाइस, तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास एक स्टूडेंट डेटा टाइप है, इस स्टूडेंट डेटा टाइप का हमने वेरिएबल बना दिया ST1। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था इंट और रोल नंबर 1। ठीक है गाइस, हमने लिखा था इंट और रोल नंबर 1, वैसे हमारे स्टूडेंट, इंट हमारा यहाँ डेटा टाइप था, ऐसे स्टूडेंट हमारा डेटा टाइप है और इंट उसका एक वेरिएबल है। जावा के अंदर किसी भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है उसके वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है गाइस, जावा के अंदर जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनके वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो गाइस हमने क्या किया कि यहाँ पर इनको एक ही पैकेट के अंदर बांध दिया, एक पैकेट के अंदर बांधने का मतलब एक ही एड्रेस के अंदर हमने इनको एक लोकेशन के अंदर बाइंड कर दिया और उस लोकेशन को नाम दे दिया गया ST1। ठीक है, वहीं पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर हमने इसको ST2 के नाम से एक लोकेशन पर बाइंड कर दिया और इसको हमने एक ST2 के नाम की लोकेशन पर ले जाकर बाइंड कर दिया। ठीक है गाइस, तो अब अगर मैं कहता हूँ कि रोल नंबर 2 किसका है, तो मैं इजिली बता सकता हूँ कि रोल नंबर 2 जॉन का है। अगर मैं कहूँ कि रोल नंबर 2 की फीस क्या है तो मैं इजिली बता सकता हूँ 5,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक जगह इस पूरे डेटा को हमने रैप कर दिया, बांध दिया एक जगह। ठीक है गाइस, तो
नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप था वो क्या करता था कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही वैल्यू कंटेन करके रखता था, एक टाइम पर सिर्फ एक ही वैल्यू कंटेन करके रखता है। हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। गाइज यहाँ पर देखें कि फर्स्ट टाइम पर मान लो कि मेरे पास ये ए है, ए के अंदर 5 पड़ा हो, तो गाइज यहाँ पर ए के अंदर मेरे पास 5 है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में ए के अंदर मेरा 5 है। और एक मेरा बी भी है, एक बी नाम का भी मान लो कि मैं यहाँ एक बॉक्स बना लेता हूँ, ये मेरा बी है और इस बी के अंदर गाइज 50 पड़ा हुआ है, ठीक है, इस बी के अंदर मेरा 50 पड़ा हुआ है। लेकिन जब गाइज इस वाली लाइन पे अगर ये आएगा तो इस वाली लाइन पे क्या होगा कि मेरे पास 5 तो हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कहने की बात ये है गाइज कि ये उसी लोकेशन पर वैल्यू को चेंज करता जा रहा है, उसकी लोकेशन के ऊपर वैल्यू को चेंज करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम पर हम एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू कंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ क्या किया कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल, यानी हम ST1 वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज हैं। हमने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रखी हुई है, एक हमने रोल नंबर इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी हुई है और एक हमने fee1 फ्लोट टाइप की वैल्यू रखी हुई है। और गाइज यहाँ पर आने के बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक चीज और हमें गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर name1, name2, name3 लिखने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज आपको आगे समझ में आएगी जब आप मेरा क्लास और ऑब्जेक्ट वाला जो चैप्टर पढ़ोगे कि जरूरत क्यों नहीं है। इनको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, मैं हटाता हूँ 2 को भी। ठीक है, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर अगर आपका कंपाइलर चेक करता है रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 को, तो यहां पर अगर तीनों का नाम आप सेम रखोगे, अगर आप यहां तीनों का नाम, क्योंकि यहां पर आपका वेरिएबल कौन है, यहां पर आपका वेरिएबल है रोल नंबर 3, रोल नंबर 2, रोल नंबर 1, लेकिन यहां पर आपका वेरिएबल कौन है, ST1, ST2, ST3। गाइज ये तो इसके मेंबर्स हैं, ST1 के मेंबर्स हैं, तो ST1 के मेंबर्स के अंदर अगर मैं नेम रखता हूँ, है ना, ST1 के मेंबर्स में नेम रखता हूँ और ST2 के मेंबर्स में नेम रखता हूँ, तो ये नेम और ये नेम आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है, ये नेम और ये नेम आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो ये सेम नेम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरनली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप मेरे वेरिएबल ट्यूटोरियल सीरीज को देख सकते हो। उसके अलावा क्लास और ऑब्जेक्ट साथ के साथ जरूर देखें, आपके माइंड से क्लास और ऑब्जेक्ट के जितने भी डाउट्स हैं फ्रेंड्स, जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे बहुत इजीली सिंपली क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले आपको वेरिएबल्स के जितने भी लेक्चर्स हैं वो जरूर देखना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ST1, ST2, ST3 तीन वेरिएबल यहाँ पर बनाए, ठीक है, और तीनों वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यूज हमने डलवा दी, ठीक है गाइस। तो यही कारण है कि हमें नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हुए भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं गाइस कि प्रिमिटिव टाइप कैन नॉट बी यूज टू कॉल मेथड्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, नॉन प्रिमिटिव टाइप कैन बी यूज टू कॉल मेथड्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, ठीक है गाइस। देखिए हमें, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने ए क्लास लिया है, ठीक है, और इस ए क्लास के अंदर एक मैंने M1 मेथड बनाया हुआ है गाइस, ठीक है, इस ए क्लास के अंदर मैंने M1 मेथड बनाया हुआ है। तो यहां पर आप देखिएगा गाइस कि यहां पर देखिए मैंने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब एक वेरिएबल बनाया, ध्यान रखना कि ये मेरी ए क्लास है, ये इसका एक वेरिएबल है, ठीक है। इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं कि यहाँ न्यू क्या काम आता है और आगे ये सब क्या है, ये आप मेरे क्लास और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो मैंने चैप्टर बनाया हुआ है आप उसमें जाइए, लेक्चर बनाया हुआ उसमें जाइए और वहां जाके आप इजिली समझिए। यहाँ सिंपली आपको यही देखना है कि कैसे हम लोग किसी भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ए क्लास का हमने मेथड बनाया हुआ है यहाँ पर A1, ठीक है, और यहाँ पर गाइज हमने ये हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट ए क्लास का A, और गाइज यहां से हमने इसको कॉल करवा लिया, यहां से हमने कॉल करवा लिया कि A.M1, A हमारा क्या है, A हमारा ऑब्जेक्ट है नॉन प्रिमिटिव
डेटा टाइप ए का। फ्रेंड्स यहाँ पर क्लास को आप डेटा टाइप मान के चलिए कि ए एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो ए डेटा टाइप है जो उसका एक वेरिएबल है ए, जिसने M1 मेथड को कॉल किया। लेकिन गाइस हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ किसी मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। गाइस हम लोग किसी भी प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल के साथ के द्वारा हम किसी भी मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर हम चलते हैं। यहां पर देखिए, ए प्रिमिटिव टाइप हैज ऑलवेज ए वैल्यू, नॉन प्रिमिटिव टाइप कैन बी नल, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर, देखिए गाइज मैंने एक वेरिएबल लिया है ए नाम से, ठीक है। ये देखिए ए नाम से एक वेरिएबल लिए है, इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं डलवाई है गाइज, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं डलवाई है। और अगर मैं यहां पर गाइज इस ए वेरिएबल को प्रिंट कराने की अगर कोशिश करूंगा, तो आप यहां पर देखिए कि मेरे पास एरर आ रहा है, द लोकल वेरिएबल ए मे नॉट हैव बीन इनिशलाइज्ड, कह रहा है कि एक लोकल वेरिएबल है ए, ठीक है, एक लोकल वेरिएबल जिसका नाम ए है, मे नॉट हैव बीन इनिशलाइज्ड, कि वो इनिशलाइज नहीं हुआ है, उसको आप इनिशलाइज कीजिए। तो कहने का मतलब है कि जितने भी नॉन प्रिमिटिव, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करने से पहले इनिशियलाइज करना जरूरी है, उनको कोई ना कोई वैल्यू देना जरूरी है। अब देखिए यहां पर अगर इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 5, तो ये मेरा एरर हट चुका है, ठीक है गाइस, ये मेरा वेरिएबल हट चुका है, अब यहां पर मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक है गाइस। लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट, है ना, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो आपको उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट नल रह सकता है, ठीक है गाइस। आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम नल रख सकते हैं, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का मतलब नॉन प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। अगर नॉन प्रिमिटिव टाइप की बात करते हो, तो नॉन प्रिमिटिव टाइप को आप नल रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि स्ट्रिंग नेम के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है गाइस। और यहाँ पर देखिए गाइस, अगर मैं यहां पर लिखूं नेम, ठीक है, अगर गाइस यहां पर लिखूं नेम और यहां पर लिख दूं मैं ए डॉट नेम, ठीक है गाइस, ए डॉट नेम, यहां पर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ गाइस कि जो मेरा नेम है, ये वाला नेम है, ये नेम एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, नेम मेरा एक ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास हमारी जावा के अंदर पहले से बनाई हुई क्लास है, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप पहले से बनाया हुआ डेटा टाइप है, इसलिए वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये एक्सेप्शनल केस है फ्रेंड्स, वो बता रहा हूँ मैं, है ना। वैसे तो नॉन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, वो सारे के सारे बाद में डेवलपर्स बनाते हैं, जावा हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप देती है, लेकिन जावा ने हमें स्ट्रिंग एक डेटा टाइप ऐसा है, स्ट्रिंग एक क्लास ऐसी है जो पहले से बना के दी है, लेकिन उसको हम लोग रखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, उसको हम रखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। तो यहां पर देखिएगा कि हाँ, एक मिनट वेट, मैंने यहाँ पर इसमें कुछ गलती की है, मैंने पूरा नाम लिखा नहीं, इसको मैं यहाँ से लेके जाता हूँ। ये मेरा ए है वेरिएबल, कैन नॉट बी रिसॉल्वड, इज नॉट ए फील्ड, वेट एक मिनट। वैसे हमने यहाँ प्लस नहीं लगाया, ठीक है, ये हमने प्लस नहीं लगाया था, तो अब इसको रन करवाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये जो मेरा नेम है ये वाला, ठीक है, ये नल दिखा रहा है, ठीक है, नेम मेरा नल दिखा रहा है। तो गाइज मैं आपको कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उनकी उनको अगर हम इनिशलाइज भी नहीं करते, तो उनकी वैल्यू नल दिखाता है, ठीक है गाइज। चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। यहाँ पर है, द साइज ऑफ ए प्रिमिटिव टाइप डिपेंड्स ऑन डेटा टाइप, ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव टाइप साइज डिपेंड्स ऑन क्लास डेटा मेंबर्स। सही गाइज, जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उनकी साइज निकालने के लिए जावा ने हमें एक मेथड प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जावा ने हमें एक कीवर्ड प्रोवाइड करवाया है, ठीक है गाइज। लेकिन अगर हमें किसी क्लास का साइज निकालना है, तो उसके लिए जावा ने हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया है, क्योंकि क्योंकि
क्लास में आप कितने मेंबर्स ले रहे हो, क्लास की साइज उस पर डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। और हर इंसान की, हर डेवलपर की अपने क्लास के अंदर मेंबर्स को रखने की अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी की रिक्वायरमेंट अपने क्लास के अंदर 5 स्ट्रिंग ले लो, 2 इंटीजर ले लो, फिर फ्लोट ले लो, कुछ डबल ले लो, कुछ बुलियन ले लो, किसी की कुछ और रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए हम उस क्लास की जो साइज है वो साइज हम लोग नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मुझे किसी प्रिमिटिव टाइप की अगर साइज निकालनी है, तो गाइज हम लोगों ने को उसके लिए फॉर्मूला प्रोवाइड करवाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो डेटा टाइप लिखना है इंटीजर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइज, मेरा जो ये ए है, ये ए मेरा इंटीजर टाइप का है, ठीक है, मेरा ए इंटीजर टाइप का है। इस ए की मुझे साइज निकालनी है, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इसका, इस क्लास का नाम, इंटीजर इज ऑल्सो ए क्लास, इस क्लास का नाम, फिर डॉट साइज लिखूंगा फ्रेंड्स, और साइज लिखने का डिवाइड बाई एट कर दूंगा गाइज। डिवाइड बाई एट इसलिए करूंगा क्योंकि ये हमें साइज निकाल के देगा बिट्स के अंदर, ठीक है, और मुझे इसको बाइट में निकालना है, तो 8 बिट्स होती हैं, वो 1 बाइट के इक्विवेलेंट होती है, इसलिए हमने इसको 8 से डिवाइड किया। 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आउटपुट है वो बाइट्स में निकल के आएगा, ठीक है गाइस। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 4 आया हुआ है इस लाइन का, यहाँ पर देखिए 4, ठीक है, यानी कि साइज कितनी हो गई हमारी इसकी, 4 हो गई, ठीक है गाइस। हमारे इंटीजर की साइज ने तो कितने बताइए, 4 बताइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ बता रहा है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर म्यूटेबल, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स आर इम्यूटेबल। प्रिमिटिव टाइप म्यूटेबल और इम्यूटेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। यहाँ पर देखिए गाइस, अभी मैंने आपको बताया था कि म्यूटेबल का मतलब ये है कि जब प्रिमिटिव सारे म्यूटेबल्स होते हैं, ठीक है गाइस, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जितने भी होते हैं सारे के सारे म्यूटेबल्स होते हैं। क्यों म्यूटेबल्स होते हैं, कि जब भी हम किसी डेटा, प्रिमिटिव डेटा टाइप के किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डलवाते हैं, और जब वैल्यू हम चेंज करवाते हैं उसमें, तो वो क्या करेगा कि सेम लोकेशन की पुरानी वैल्यू को हटा के उसकी जगह नई वैल्यू को वो रख देगा। यहाँ देखिए मेरे पास एक वेरिएबल है ए, इसके अंदर मैंने 5 डलवाया, देखिए गाइज यहाँ पर मेरा 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये मेरा 5 है, ठीक है गाइज। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया, इस वाली लाइन पे आया, यहाँ पर इस 5 को हटा के इसकी जगह क्या करवा दिया गया गाइज, 10 करवा दिया गया, ठीक है, यहाँ पर ये 10 करवा दिया गया। और जैसे ही फिर मैं इस लाइन पे आया, तो 10 प्लस 50, तो मेरा 10 हट गया, 10 हट के यहाँ पर मेरा कितना आ चुका है गाइज, यहाँ पर मेरा 60 आ चुका है। तो यहाँ पर म्यूटेबल का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग लोकेशन है, एग्जिस्टिंग एड्रेस है, एग्जिस्टिंग एड्रेस और एग्जिस्टिंग लोकेशन के ऊपर ही वैल्यूज को चेंज किया जाता है, पुरानी वैल्यू को हटा दिया जाता है, नई वैल्यू को वहां पर स्टोर करवा दिया जाता है, ठीक है गाइज। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पर गाइज आप देखिए कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है एक name1 के नाम से, स्ट्रिंग का एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने जॉन डलवाया है। जॉन डलवाने का मतलब जॉन का रेफरेंस उसको दिया गया है गाइज, ये है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ध्यान रखिएगा, name1 ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको वेरिएबल बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग वेरिएबल नहीं बोल सकते, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस या वेरिएबल रेफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स के ऊपर, आप मेरे जा सकते हो ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया वीडियो ट्यूटोरियल, ऑब्जेक्ट के वीडियो ट्यूटोरियल पे आप जा सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये जो है ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी, ये मेरा किसी दूसरा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जॉन, इसका इसने क्या किया हुआ है, एड्रेस रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। सेम ऐसे ही जो मेरा name2 है, name2 को भी जॉन दिया गया है, name2 भी एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है या वेरिएबल रेफरेंस है, इसको भी एक जॉन के नाम से एक रेफरेंस दिया हुआ है स्ट्रिंग का, एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और ऐसे ही हमने यहाँ पर अब फ्रेंड्स क्या किया कि name1 की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की, हमारा जो वेरिएबल है name1 उसकी हम लोगों ने वैल्यू चेंज करने की कोशिश की, पहले उसमें जॉन था, अब उसमें हमने जॉन मैरी किया, ठीक है भाई। देखिए अब ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर देखिए ये मेरा जॉन मैरी है और ये मेरा जॉन है गाइज। जब फर्स्ट टाइम पर यहाँ पर आएगा मेरा कंट्रोल, या हम कह सकते हैं कंपाइलर, जब फर्स्ट टाइम इस फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, तो उस टाइम पर क्या करेगा गाइज, कि name1 है, name1 के को ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देगा, ठीक है, name1 को इस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देगा, ठीक है गाइज, यानी जॉन नाम का जो ऑब्जेक्ट है इससे कनेक्ट कर देगा। अगर नहीं होगा तो वो जॉन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, और बनाने के बाद उससे उसको कनेक्ट कर देगा, ठीक है गाइज। लेकिन जैसे ही जॉन 2 को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे,
जैसे हम लोग जोन टू को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे गाइस, तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हमारा कंपाइलर जाकर स्ट्रिंग पूल का गाइस मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया, आप देख सकते हो, स्ट्रिंग पूल के अंदर जाएगा और वहां देखेगा कि जॉन के नाम से पहले से कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ, जॉन के नाम से पहले से कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। एक्चुअली पड़ा हुआ है क्योंकि नेम वन के लिए हमने जॉन बनाया था, ठीक है। तो गाइस ये क्या करेगा कि इस नेम टू को भी ले जाकर सेम उसी लोकेशन के साथ जोड़ देगा, ठीक है। यानी कि अब नेम वन के पास भी सेम लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है, सेम लोकेशन का रेफरेंस पड़ा हुआ है, और नेम टू के पास भी सेम लोकेशन का रेफरेंस पड़ा हुआ है क्योंकि दोनों के पास सेम वैल्यू है, ठीक है गाइस। प्रिमिटिव टाइप में ऐसा नहीं होता, अगर मैं इंटीजर ए इक्वल्स टू 5 और इंटीजर बी इक्वल्स टू 5 करता हूं तो गाइस दोनों में वैल्यू तो सेम है 5 5, लेकिन दोनों के लिए एड्रेस अलग अलग बनेगा, लोकेशन अलग अलग बनेगी। लेकिन जो हमारा नॉन प्रिमिटिव है, यहाँ पर अगर सेम टाइप की वैल्यू है तो उसको सेम टाइप का रेफरेंस पकड़ा दिया जाता है, ठीक है गाइस। लेकिन जब हम यहाँ पर नेम वन की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर हम अगर जॉन मैरी डलवाने की कोशिश करेंगे, तो अब गाइस क्या होगा कि हमारा नेम वन का जो कनेक्शन है इससे तोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि इसी जॉन के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेगा, इस जॉन के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेगा, वो जाएगा स्ट्रिंग पूल के अंदर, एक नई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएगा जॉन मैरी के नाम से और उसका रेफरेंस पकड़ा दिया जाएगा हमारे नेम वन को, ठीक है गाइस। उसका रेफरेंस पकड़ा दिया जाएगा हमारे नेम वन को। गाइस म्यूटेबल इम्यूटेबल यही होता है कि म्यूटेबल में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो सेम लोकेशन पे होते हैं, लेकिन अगर नॉन प्रिमिटिव टाइप की हम बात करते हैं तो वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब अगर उसमें कोई चेंज होते हैं तो लोकेशन ही चेंज कर दी जाती है और नई स्ट्रिंग या नया ऑब्जेक्ट ही बना दिया जाता है, ठीक है गाइस। नई स्ट्रिंग या नया ऑब्जेक्ट ही बना दिया जाता है, तो ये गाइस म्यूटेबल और इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू एट ए टाइम, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैन कंटेन सिंगल और मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम। हम लोगों ने सबसे पहले जो यहाँ पर जो सबसे पहले जो एग्जांपल हमने देखा था उसका मतलब गाइस यही था कि यहाँ पर सिंगल सिंगल वैल्यूज ले रहा है, यहाँ पर देखिए हमने मल्टीपल वैल्यूज डलवा दी हमारे ST1 के अंदर, ST2 के अंदर, ST3 के अंदर, ये सारे के सारे हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज डलवा दी है, ठीक है गाइस। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी मैंने आपको जो गाइस एग्जांपल बताया था ये वाला एग्जांपल, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एड्रेस ये पर देखता है या ये अलग अलग एड्रेस से अलग अलग रेफरेंस दे देता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेम और नेम टू की, दोनों में अगर जॉन के नाम से अगर पड़ा हुआ है हमारा स्ट्रिंग, अगर दोनों में स्ट्रिंग टाइप के सेम ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पर जॉन और जॉन पड़ा हुआ है, तो उनको क्या करेंगे गाइज एक ही एड्रेस देगा, ठीक है। और अगर अलग हम लोग करते हैं तो उसको अलग एड्रेस यहाँ पर दे दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हम उसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस की यहाँ पर देखिए गाइस मैंने एक स्ट्रिंग वन लिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक जॉन लिया हुआ है, ठीक है। एक नेम टू है उसके अंदर भी मैंने जॉन लिया हुआ है, नेम थ्री के अंदर जॉन मैरी लिया हुआ है। तो यहाँ देखिए गाइस नेम वन के अंदर जॉन है, नेम टू के अंदर जॉन है, सेम एड्रेस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नेम थ्री की बात करता हूँ तो उसके अंदर जॉन नहीं है, उसके अंदर जॉन मैरी है, तो उसको इसने अलग एड्रेस दे दिया, ठीक है गाइज, उसको इसने अलग लोकेशन दे दी। वहीं पर गाइज मैंने यहाँ पर दोनों तरीके बताए हुए हैं। ये देखिए गाइज ये हमारा होता है रेफरेंस, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम लोग डायरेक्ट क्लास के साथ अगर कोई भी नाम लिखते हैं वो रेफरेंस कहलाता है, यानी कि नेम का जो एड्रेस है वो दे दिया गया नेम टू को, इस जॉन का एड्रेस दे दिया गया इस नेम टू को, इस जॉन का एड्रेस दे दिया गया नेम वन को, और इस जॉन मैरी का एड्रेस दे दिया गया या रेफरेंस दे दिया गया नेम थ्री को। गाइज यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी हम लोग, अब यहाँ पर हम लोगों ने न्यू के साथ अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को नाम लिखते हैं तो वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम न्यू कीवर्ड को काम में ले लेते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ देखिए स्ट्रिंग क्लास का अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर गाइज एक स्ट्रिंग है टेक्नो गाइज, टेक्नो गाइज दोनों में सेम स्ट्रिंग है, तो देखिए गाइज यहाँ पर एड्रेस भी दोनों का सेम दिखा रहा है, ठीक है गाइज, एड्रेस यहाँ पर दोनों का सेम दिखा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बिना न्यू कीवर्ड के काम में लेते हैं तो वो रेफरेंस कहलाता है, यानी कि वो किसी दूसरे का एड्रेस अपने पास रखेगा, होल्ड करेगा सिर्फ। और यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं नेम वन की खुद की मेमोरी का, और यहाँ पर इसने क्या काम में लिया नेम वन ने, कि किसी और ऑब्जेक्ट की मेमोरी को काम में लिया, इसने किसी और ऑब्जेक्ट की मेमोरी को काम में लिया, इसकी खुद की मेमोरी बनी ही नहीं, नेम वन नेम टू नेम थ्री की खुद की मेमोरी बनी ही नहीं यहाँ पर, लेकिन नेम फोर और नेम फाइव की खुद की मेमोरी बनी, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर सेम अगर स्ट्रिंग पड़ा हुआ है तो उन दोनों की ये वैल्यू सेम दिखा देगा, ठीक है गाइस। अब वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ देखो इस लाइन की गाइस, तो ये जो है मेरा
यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि मेरा अभी हमने एक हम लोगों ने यहाँ पर देखिए हाँ ये देखिए आप सेकंड नंबर पॉइंट ये वाला कि नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैन बी यूज्ड टू कॉल मेथड्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गाइस कि मेरा जॉन जो है, गाइस जॉन जो है मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जॉन मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ अगर मैं प्री डिफाइन अगर मैं इसके साथ प्री डिफाइन मेथड को काम में लेता हूँ जिसका नाम है टू अपर केस, तो गाइस इसने देखिए यहाँ पर इसको अपर केस में कर दिया पूरे को, जॉन को देखिए JOHN कैपिटल लेटर्स इसने कर दिया है। मैं गाइस इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ गाइस Name3.toUpperCase, और इसको मुझे गाइज System.out.println में डालना पड़ेगा या किसी दूसरे स्ट्रीम में डालना पड़ेगा, ये यहाँ पर ऐसे परफॉर्म नहीं करेगा इसलिए यहाँ पर इसने आउटपुट नहीं दिया है। ठीक है, देखिए ये परफॉर्म कैसे करेगा, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ अब देखिए गाइज ये जॉन मैरी है, जॉन मैरी को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए जॉन मैरी भी मेरे यहाँ पर अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है गाइस, चलिए आई होप आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप में हर चीज अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। गाइज मैं आपके कमेंट्स की भी उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे कमेंट देंगे, ये आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।